बनाया गया है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत ही हमारे पार्टी की अच्छी चॉइस है और मेरा मानना है कि ये इलेक्शन जो है पार्टी से भी ऊपर उठ करके लड़ा जाएगा, क्योंकि वेंकैया नायडू जी से मतलब सबके उनके पूरे चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो लंबा अनुभव होने की वजह से उनका बहुत मित्रता है खूब लोगों से, और उसके बाद में चार टर्म जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं और ऐसे व्यक्ति पहली बार हो रहे हैं कि जो कि पूरे देश में लगभग घूमे हुए हैं, पहले उपराष्ट्रपति होंगे, उनको किसानों की समस्याओं के बारे में पता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर तरह से जो हैं हाउस को चलाने में बहुत बड़ा कामयाब होंगे वो और एक इतिहास का है। कहीं ना कहीं राज्यसभा में अब बीजेपी को अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा वेंकैया नायडू के आने के बाद? बिल्कुल, वो जब हाउस इस तरह चलाएंगे वो कि जैसे कि जो राष्ट्रहित के मुद्दे हैं उनमें मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारों से सहमति बना कर करके काम कराने में कामयाब रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं चाइना के मामले में कमज़ोर है और बॉर्डर पे नेपाल बांग्लादेश और चाइना से रिश्ते खराब हो रहे हैं बीजेपी सरकार के कारण। देखिए, चाइना के मामले में बीजेपी सरकार जो अभी हैंडल कर रही है इशू को बहुत अच्छा तरह से हैंडल कर रही है और बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल कर रही है। थैंक यू सर। सरकार मिलेगा सर।